देखिए आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए तसल्ली से। वाई वॉज ममता सिलेक्शन, ममतास एपोस्ट्रॉपी एस लगी है और एपोस्ट्रॉपी एस का मेरे ख्याल से सब लोगों को अर्थ पता होगा, का की के, ठीक है। अब ममतास लिखा है तो ममता का, ममता की या ममता के। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, तो आप क्या कहेंगे कि ममता का चुनाव। इन द स्कूल टीम, स्कूल की टीम में। ए सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, एक आश्चर्य। टू एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर किसी के लिए। अब क्वेश्चन है आपका कि वॉज वॉज, अब यहां देखिए आपके वॉज के बाद आपके पास कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो जब भी वॉज वर्ब आपकी जो होती है, वॉज है, वर है, इज है, एम है, आर है, अगर इनके बाद आपके पास कोई वर्ब नहीं होती, वर्ब होगी तो आईएनजी लगेगा उसमें, या वर्ब थर्ड आएगी। अगर कोई वर्ब नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वॉज वर्ब का अर्थ होता है था, थी और थे। इज एम आर का अर्थ होता है हूं और हैं। तो यहां देखिए कि वाई वॉज ममता सिलेक्शन, कि ममता का चुनाव क्यों था। इन द स्कूल टीम, स्कूल की टीम में। अ सरप्राइज, एक आश्चर्य। तो ममता का सिलेक्शन एक आश्चर्य क्यों था। टू एवरीवन, हर किसी के लिए। तो यहां आपको यह बताना है कि जो ममता का सिलेक्शन हुआ था, और लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ, ममता का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन ममता का सिलेक्शन हर किसी के लिए एक आश्चर्य हो गया। तो आपको बताना है कि ममता का सिलेक्शन एक आश्चर्य क्यों था। आंसर के वर्ड मीनिंग देखिए, इट वॉज सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो इट वॉज सरप्राइज, जो आप आंसर कह रहे हैं, आपने अभी मान लिया कि वो इट हो गया, क्या इसके लिए वो सरप्राइज था। इस तरीके के इट में ये रहता है कि आंसर हम बाद में देते हैं और सब्जेक्ट में उस आंसर के प्लेस पे इट रख लेते हैं। तो इट वॉज सरप्राइज के ये आश्चर्य था फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, बिकॉज, क्योंकि। अब आंसर हम बाद में देंगे। तो आश्चर्य क्यों था, क्योंकि, क्योंकि क्वेश्चन वाई लगा है, और क्वेश्चन में जब भी वाई आएगा तो आपको आंसर में निश्चित रूप से बिकॉज लगाना पड़ेगा। तो ये आश्चर्य था हर किसी के लिए, क्योंकि ममता हेड कम, क्योंकि ममता आई थी। हेड कम, बात को कहां ले जाएंगे आप, पास्ट के परफेक्ट में। तो बिकॉज ममता हेड कम, क्योंकि ममता आई थी। पहले एक बार वर्ड मीनिंग अच्छे से देखिए, फिर अपन याद करेंगे। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल, स्मॉल माने छोटे से, टाउन मतलब कस्बे के, स्कूल स्कूल से। तो ममता एक छोटे से कस्बे के स्कूल से आई थी। वेयर, जहां, वेयर जहां, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, यदि उनके बाद नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में इनके अर्थ का के प्लेस पे जा से हो जाते हैं। तो यहां आपको चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये कंजक्शन हो गया, और यहां अर्थ इसका का की जगह पे आप जा से निकालेंगे। तो वेयर जहां, देयर वॉज नो बास्केटबॉल कोर्ट। नो मतलब कोई नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट, कोर्ट का मतलब मैदान, जहां बास्केटबॉल का कोई मैदान भी नहीं था, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन और आंसर की वर्ड मीनिंग थे। अब एक बार इस क्वेश्चन को पहले समझिए और सोचिए कि कहां से। क्वेश्चन आपका ये है कि ममता का जो चुनाव हुआ था स्कूल की टीम में, जो बास्केटबॉल की टीम में ममता का जो सिलेक्शन हुआ था, आपसे यह पूछा है कि वो सिलेक्शन एक आश्चर्य क्यों था पूरे स्कूल के लिए। तो आश्चर्य क्यों था कि सिलेक्शन उनका होता है जो पहले खेले हों, लेकिन ममता कभी खेली नहीं थी, स्कूल के लिए तो नहीं थी, साथ में ममता जिस स्कूल में पढ़ती थी इससे पहले वहां बास्केटबॉल का मैदान भी नहीं था। इसका मतलब ममता बास्केटबॉल को जानती भी नहीं। तो ये निश्चित रूप से है, अभी चूंकि कहानी के आधार पे अपन ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, वो लड़कियां गलत कर रही थी, सिलेक्शन होना गलत, क्योंकि ममता की आपको पूरी स्टोरी पता चल गई इसलिए।
लेकिन अपने साथ भी अगर कोई ऐसा हो कि अपनी टीम में किसी को लिया जाए, उसे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता हो, तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो ममता का सिलेक्शन टीम के लिए एक आश्चर्य क्यों था? तो इट वॉज सरप्राइज कि ये एक आश्चर्य था फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, बिकॉज क्योंकि। अब आश्चर्य क्यों था? पहली बात तो यह थी कि ममता हैड कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन स्कूल। बास्केटबॉल काफी खर्चीला गेम है और एक छोटे से कस्बे में यह संभव नहीं है। तो बिकॉज ममता हैड कम, क्योंकि ममता आई थी, तो क्यों आश्चर्य हो रहा था सबको? क्योंकि छोटे से कस्बे की लड़की है, यह बास्केटबॉल क्या खेलेगी? ठीक है, तो बिकॉज ममता हैड कम, क्योंकि ममता आई थी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल। स्मॉल टाउन स्कूल का मतलब, स्मॉल मतलब छोटे से, टाउन मतलब कस्बे के स्कूल से, क्योंकि ममता छोटे से कस्बे के स्कूल से आई थी, उस कस्बे से वेयर जहां बास्केटबॉल का मैदान नहीं था। अब मैदान नहीं था, मैंने आपको एक बार देयर वाले सेंटेंस बताए थे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बास्केटबॉल मैदान नहीं था, जब भी आपको है था, जो वर्ब होती हैं ये, जो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, अगर आपको इनके पास में कोई नाउन मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप अपने सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करेंगे। वैसे अमूमन आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जैसे वह पढ़ता है, तो यहां आप देखेंगे कि पढ़ता है कि नहीं, दिख आपको क्या मिल रहा है? पढ़ना। तो इस सेंटेंस को आप देयर से नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस हम देयर से बनाते हैं जिनमें कर्ता नहीं होता और है था कि नजदीक, यानी जो वर्ब होती है उसके नजदीक आपको कोई नाउन मिलने लगती है। तो इसका पहला रीजन तो यह था कि लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ, तो बिकॉज क्योंकि सी एट कम वो आई थी, कहां से आई थी? फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल, एक छोटे से कस्बे के स्कूल से, वेयर जहां बास्केटबॉल का मैदान नहीं था। तो मैदान नहीं था, है कि नहीं था कि नहीं थी कि आपको मैदान मिल रहा है, इसका मतलब आप इसे देयर से स्टार्ट करेंगे। तो वेयर देयर वॉज नो बास्केटबॉल कोर्ट, वेयर जहां देयर वॉज नो बास्केटबॉल कोर्ट, जहां कोई बास्केटबॉल का मैदान नहीं था। क्लियर? चलिए एक बार पूरे आंसर को फिर से देख लीजिए। वाई वॉज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम, के स्कूल की टीम में ममता का जो सिलेक्शन था वॉज ए सरप्राइज, एक आश्चर्य क्यों था? तो आप पहले तो इट लगा देंगे कि ये एक आश्चर्य था, तो इट वॉज सरप्राइज फॉर एवरीवन, कि ये हर किसी के लिए एक आश्चर्य था, बिकॉज क्योंकि। अब आपको हिंदी में याद होना चाहिए, क्योंकि ममता छोटे से कस्बे के स्कूल से आई थी, आई थी ममता हैड कम, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल, एक छोटे से कस्बे के स्कूल से आई थी, वेयर जहां बास्केटबॉल का मैदान नहीं था। अब मैदान नहीं था, समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस देयर से बनेगा। बस इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद बनाने लगे। वेयर जहां देयर वॉज नो बास्केट, वेयर जहां देयर वॉज नो बास्केटबॉल कोर्ट, जहां बास्केटबॉल का कोई मैदान नहीं था। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले एक बार इसके भी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वर्ड क्वालिटीज, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। डिड द कोच नोटिस, कोच ने, और नोटिस का, नोटिस मतलब होता है गौर करना। तो क्या योग्यताएं या कौन सी योग्यताओं पर कोच ने गौर किया इन ममता? अब ममता को उसने ले तो लिया, यानी उसे पता लग गया कि ऐसे कस्बे से आई है जिसमें बास्केटबॉल का मैदान भी नहीं है, फिर ममता को क्यों ले लिया? तो यहां आपको बताना है, वो योग्यताएं बतानी है जिनकी वजह से ममता को लिया गया। व्हाट क्वालिटीज, कौन सी योग्यताओं की वजह से ममता को लिया गया? आंसर देखिए, द कोच नोटिस्ड, यानी कोच ने गौर किया। दैट की ममता पासेस, ममता के पास, पास क्या होता है? बास्केटबॉल में
गेंद आप लेकर के हाथों में चलते हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही गेंद को आप अपने हाथ में रख सकते हैं। उसके बाद या तो गेंद आपको जमीन में देनी पड़ेगी या फिर आपको किसी साथी खिलाड़ी को देना पड़ेगा। तो जो आप साथी खिलाड़ी को देते हैं उसे पास करना कहते हैं बास्केटबॉल में। तो यही कहा था, यही देखा था कोच ने कि द कोच नोटिस, जो कोच ने देखा या गौर किया दैट ममताज पासेस, कि ममता के जो पास हैं एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को जो गेंद देने का तरीका है वर थे गुड। तो एक तो उसने ये देखा कि ममता के पासेस बड़े गुड हैं, तो पहला गुण उसने ये देखा। आपसे पूछा गया व्हाट क्वालिटीज, कि कौन कौन से गुण, किन गुणों की वजह से ममता को टीम में लिया गया। तो वो दो गुण थे, एक तो ममताज पासेस वर गुड, कि ममता के जो पास थे वो बहुत अच्छे थे एंड, और जो दूसरा गुण था कि सी वॉज फिजिकली फिट। फिट होता है FIT। अगर हम किसी दूसरे से अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, फिट बताना चाहते हैं, तो इसका कंपेरेटिव लगाते हैं फिटर। तो सी वॉज फिजिकली, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, और फिटर, फिटर मतलब तंदुरुस्त, ज्यादा तंदुरुस्त। फिट होता है तंदुरुस्त, और फिटर क्या हो गया, किसी दूसरे से ज्यादा तंदुरुस्त। तो सी वॉज फिजिकली फिटर, कि वो शारीरिक रूप से ज्यादा तंदुरुस्त थी देन, देन माने किससे थी वो बता दो, कि देन एनी अदर गर्ल, अन्य किसी लड़की से, एनी अदर से, यानी टीम में जो अन्य लड़कियां थी उनसे वो ज्यादा फिट थी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि व्हाट क्वालिटीज, कौन कौन से गुणों की वजह से ममता को लिया गया, आपको बताना है कि वो गुण कौन से थे। तो फर्स्ट गुण आप क्या बताएंगे, कि ममताज पासेस वर गुड, पहला गुण उसका ये था ममताज पासेस वर गुड। कोच ने सोचा कि खिला तो हम लेंगे, इसे सिखा लेंगे बास्केटबॉल, लेकिन ये जो इस तरीके से पास करती है गेंद को, जो कि मेन काम है बास्केटबॉल में, तो वो इसके बहुत अच्छे हैं। तो पहली बात, यानी आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस, क्वेश्चन में डेढ़ लगाए तो नोटिस का नोटिस कर देंगे। बहुत कम चीजें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, तो द कोच नोटिस्ड, के कोच ने गौर किया। अब पहली बात उसने क्या गौर किया, कि ममताज पासेस वर गुड, कि ममता के जो पास थे वो अच्छे थे एंड दूसरा वो शारीरिक रूप से ज्यादा फिट थी। तो शारीरिक रूप से कहेंगे फिजिकली, एंड सी वॉज फिजिकली, और फिट का किसी से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, कंपेरेटिव बनाएंगे। तो सी वॉज फिजिकली फिटर, क्या वो शारीरिक रूप से ज्यादा फिट थी देन एनी अदर गर्ल, अन्य किसी लड़की से। तो उसमें दो गुण कोच ने देखे, पहला ममताज पासेस वर गुड, जब ममता के पास बहुत अच्छे थे एंड सी वॉज फिजिकली फिटर, सी वॉज क्या वो थी फिजिकली शारीरिक रूप से फिट, फिट का कंपेरेटिव फिटर, सी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल।